प्रियामिदा और श्रेय, तो आप किसकी जगह लेंगे वो बताएंगे हमारे चोजन वंस। अभी इसी वक्त उसका टारगेट मैं हूँ। मैंने डे वन से ही इस आशीष भाटिया को बोला है कि तू, और वो मुझे पक्का बाहर करेगा। मुझे पता है आशीष एंड पीयूष डोंट गेट अलोंग, उनकी पहले दिन से एक दूसरे से नहीं बनती है, बट कहीं ना कहीं आई एंड आराधना आर अ स्ट्रॉन्गर कॉम्पिटिशन, तो मुझे कहीं ना कहीं था कि ही विल रिमूव कॉम्पिटिशन बिकॉज आशीष और मायशा बहुत दिमाग से खेलने वाले लोग हैं। सॉरी अल्फैज एंड आराधना, इट इज पीयूष एंड आहना। यू किल्ड मी, आई डोंट वांट टू गो देयर, एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट कि अल्फेज और आदना यहाँ पे पब्लिक वोट से आइडल मैच बने, फिर यहाँ पे बैठे, टास में पीयूष को एक बार हराया, यहाँ पे फिर से बैठे, तो लाइक दे डिजर्व यहाँ पे बैठना। डिजर्व पे बात आ गई, मतलब पीयूष एंड आना डोंट डिजर्व। वो तो उस दिन लाल बत्ती वो बच गया था। वो जो भी कुछ भी कहे कि हम नहीं करते या नहीं करते, मुझे पता है फेयर है कि अगर अल्फेज आना यहाँ पे रहते हैं तो ये फेयर है, ये लोग डिजर्व करते हैं। कॉम्पिटिशन को वहाँ भेजो और फिर उसको बाहर कर दो गेम के। वो तो पहले भी बाहर कर रहा था मैं, वो तो बच गया, किस्मत थी, हर बार किस्मत थोड़ी आएगी। दुआ कर तुम्हें डम कर दे, बिकॉज अगर फिर से हम सामने आएंगे फिर मेरे हाथ में बैट होगा और मैं मुंह से नहीं बोलता, मैं बैट से बोलूँगा जो लास्ट टाइम बोल चुका हूँ मैं, बहुत अच्छे से बोला हूँ मैं। मैं बिलीव करता हूँ कि मेरे वर्ड्स नहीं बोलेंगे, मैं परफॉर्म करता हूँ, मेरा काम बोलता है, एंड दैट इज द शो आशीष भाटिया। सर और अगर ये कह रहे हैं कि बहुत डिजर्विंग है तो ये आई थिंक फिर से आ जाएंगे वहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है। जी हम आ जाएंगे। हाँ आप वही रहेंगे, हम आ जाएंगे। मैं तो खुश हूँ यहाँ पे, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मेरे को पता है मैं कहाँ हूँ, मैं चल रही है दादागिरी ब्रो, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा तू कहाँ है, मैं यहाँ हूँ, आएगा अभी थोड़े दिनों बाद। तू क्यों बोली, चुप है, तू चुप है, तू से बात ही नहीं करती मैं ब्रो, तू चुप है, तुझसे बात ही नहीं हो रही है मेरी, तू चुप कर थोड़ी देर ब्रो, मुझे हंसी आती तुझसे बात करने, चुप कर, बेवकूफ लड़की फालतू में बोलती रहती है। एक ही लाइन है तेरे पास, तेरे पास दो है ना, तू दो बोल, तू दो बोल, तेरे पास दो है ना, तू दो बोल, अभी आएगी तू यहां पे, तेरा स्वागत करूंगी, आ जा आ जा, तू यहां आ, तू यहां पे आ, ठीक है, साड़ी पकड़ के बैठ, चुप बैठ, और सुनो वहां पर थे, वहां से यहां पर आए ना, क्या गलत बोला मैंने, बोला डिजर्विंग है तो फिर पहुंच जाएंगे वहां पे, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लाल बत्ती चलेगी इस बार नहीं चलेगी। हाँ नहीं तो फालतू में बोलते रहते, मजा आएगा अब तुम यहाँ आओगे ना, हम यहाँ पर थे फिर वहाँ पर आएंगे, तू एक बार तो आजा इधर, एक बार तो आ यार, मैं मुझे आना होगा, मैं आ जाऊंगी, मैं डेस्परेट नहीं हूं, मैं यहाँ ठीक हूं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम, तुम अपने बारे में सोचो यार, सोच रहे हो ना, तू अपने बारे में सोच, तू ये पहले डिसाइड कर ले, तू उसके साथ है भी या नहीं भी, तू ये डिसाइड कर ले पहले, ठीक है, तू ये मत उसको फ्रेंड जोन कर रहा है, दूसरों को क्या बोल रहा है, फालतू में बोलता रहता है, अब ये नहीं, ओहो फ्रेंड जोन कर रहा हूं मैं, फ्रेंड जोन कर रहा हूं मैं, और क्या तू बोल रही है, और क्या, कभी शिवम, कभी अंशित, अंकुश, अंकुश नहीं हुआ तो उदय, मैं तो खुश हूँ, मैं तो खुश हूँ, मैं तो खुश हूँ, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है ब्रो, मैं यही हूँ, तू इतना फेक नहीं हूँ मैं फेक हो रहा हूँ, एक मिनट, तूने आना से पूछना, आना को तूने फ्रेंड जोन किया कि नहीं किया, पूछ बोल, पूछ, हाँ हम फ्रेंड्स ही हैं, बोल दिया क्या, तो मतलब तुम क्या चाह रही हो, क्या करें हम लोग, तुम आइडियल कनेक्शन नहीं रहे फिर तो। पीयूष एंड आना, it's time for you guys to make some room for the new, take the walk, swagat karenge inka hum dhamal se aaj, dil khol ke kariye, game on, game on bro। आशीष भाटिया सबके सामने तो शो करता है कि मैं बहुत सुपर स्ट्रांग हूँ, पीयूष मेरा कंपटीशन है, तो भाई रखता ना मुझे, क्या उसे रखा मुझे, नहीं रखा,
ताकि मैं सामने जाऊं, अनसेफ हो जाऊं और उसको मौका मिले और मैं डंप हो जाऊं। अब हम और डेस्परेटली चाहते थे कि हम किसी ना किसी तरीके से आशीष और मायशा को चोजन वन के थ्रोन से हटाएं, क्योंकि जब तक वो लोग पार में हैं तब तक हम दोनों यहाँ पे सेफ नहीं हैं। बैक ऑन द रॉन्ग साइड। फिर वही बैक टू बेसिक्स। सनी और मैं मिलेंगे आपको कल, बेस्ट लक। क्या हो गया है गेम? क्या पूरा चेंज हो गया, पलट गया फिर से? इसका मतलब आइडियल मैचेस हर हफ्ते सेफ नहीं है। जब तक पीयूष और मैं बाहर नहीं होते तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। मुझे सिर्फ यही डर था कि यार पहले भी ऐसा हो चुका है, भाटिया से मेरे पंगे थे, उसने बाहर करा अर्शिया को, मैं कहीं फिर से ये हो जाए, फिर से आना बाहर ना हो जाए। बहुत खुश थे। I think it was our happiest night in the villa. Keeping all the friendships aside, सबसे ऊपर अभी सबसे जरूरी अपन दोनों है, वो chosen one बनना है। Okay. And then bring the game. Secret plan. Secret. We are both very very excited and really looking forward कि हम एक साथ सारे challenges perform करें और end तक इस game में एक दूसरे के साथ रहें। इट्स अ न्यू डे और स्प्लिट्स विला में कोई भी दिन दूसरे की तरह नहीं होता। कल रात के डोम सेशन के बाद हमने सोचा आप लोगों को एक सरप्राइज का। आई लव सरप्राइजेस। सरप्राइज हो गया, शॉक हो गया। Best feeling ever. कहीं ना कहीं उसके आने से हमारा ग्रुप स्ट्रॉन्ग होता है, तो मैं बहुत खुश था अर्शिया के आने से। Fine, I'm back, I'm back. It's not happening. जितना बड़ा झटका शॉक 200 300 400 वॉट के मुझे लगते हैं, उतने आई डोंट थिंक मुझे कभी इतना बड़ा सरप्राइज लाइफ में मिला है। नहीं, ये भव्य का मतलब देख, इससे भव्य का शक्ल देख। अर्शिया को सबसे पहले मैंने और मायशा ने आइडल मैच बनते ही निकाल दिया था, वो गेम में वापस आ गई है और यहाँ पे मैं देखता हूँ भव्या और मायशा, इनका तो मुँह उतर गया था। जैसे ही वो मोमेंट खत्म हुआ आई रियलाइज Now what about tuition, Anna? Because Anna. Pagal. Pagal. Jeetna hai na kya? Jeetna. Finally. बहुत अपसेट थी, मतलब ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लग रहा था कि पिछले 15 दिन जो भी था नीरा और पीयूष का, जो इतना क्लोज थे, वो सब एक ब्लिंक ऑफ एन आई में जा चुका था अर्शिया के आने पे। क्या हुआ? हाय रब्बा। कुछ नहीं कर सकते, आई एम सॉरी, कुछ नहीं कर सकते। आइडल मैच होगा तो वी कैन डू एनीथिंग, कोई और ढूंढ लो। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता था कि अर्शिया सिर्फ 2 दिन थी उसके साथ और मैं 15-20 दिन थी उसके साथ। आई थॉट कि उसकी फीलिंग्स चेंज हो गई होंगी, बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉज एविडेंट कि ऐसा कुछ नहीं था। शॉर्ट के साथ गया ना, मार दूंगी तेरे को। मैं वैसे ही बाहर जा रहा हूँ। You are not going, you are not going. Obviously नहीं जा रहा, अब नहीं जा रहा, अब कहीं नहीं जा रहा, अब कहीं नहीं जा रहा। जा भी नहीं सकते हो, अभी हम जीत के जाएंगे। वो ऑलरेडी अर्शिया के पास जाके उसको हग कर रहे थे एंड इट वाज वेरी अपसेटिंग। You want to go talk to him? No,
Not right now. Let him be happy for some time. मैं सबको दिखाना नहीं चाहती थी कि मैं खुश नहीं हूँ अर्शा के आने से, बट डेफिनेटली बहुत बुरा लग रहा था. उस टाइम मेरा मन कर रहा था कि मैं गिव अप करके घर चले जाऊँ. आई डिडंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट एनी मोर. ओके कुछ दूँ क्या? वो एक रिंग मेरी अपने पास रखता था हमेशा, एंड उसने ये बात बोली थी सबको कि अर्शिया मेरे साथ मतलब हमेशा है, एंड यहाँ से मैं अर्शिया लेके जा रहा हूँ. एंड आई वाज लाइक यार वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है. अब सुन वो जैसे आई है ना वैसे उसको वापस उसी ट्रेन से भेजने गए. I'm back. Yeah, she was giving me to all of us. She didn't say hi to any of us. वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आ रही. She's very irritating. The way she talks and she is very crass. मेरे तो दिमाग सड़ के हाथ में, इतने मुश्किल से लोगों को भगा रहे हैं, वापस आ रहे हैं. अर्शिया की एंट्री was the one wild card entry that I never wanted to see. पीयूष ने भी आना को बहुत ज़्यादा ये किया. ओके ही टुक हर फॉरवर्ड क्वाइट अ बिट. ये दोनों कार्डल वाडल करके सोते थे वो फर्स्ट रूम में. पता है येस्टरडे आल्सो दे ढूंढ रहे थे ना कि हमें कोई रूम दे दो प्लीज, हम दोनों को साथ में. पीयूष कितना हमेशा चिपके हुए रहते हैं. अरे नहीं, दे वांटेड अ प्लेस येस्टरडे टू स्लीप टुगेदर. कल वो बोल रहे थे, पूछ रहे थे. मज़ा ये आने वाला था that now Ahana bhi hai, Arshia bhi hai, and beech mein Piyush. I wanted to be a part of all this drama and I wanted to know what was going to happen now. Arshia. Kya chal raha hai aajkal? Kya ho? Are you there? Bahut kuch ho gaya. कुछ नहीं हो सकता. अर्शिया के आने के बाद में जो आहना के फेस पे रिएक्शन था ना, वो देख के मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि लाइक यार ये क्या हो गया. आना मेरा देखिए बेटा, किसी पे क्या हुआ? जा उसको बना ले, दोस्त तो है तेरी. क्या हुआ? अरे खुश है? पक्का लग नहीं तुझे खुश? अभी बहुत खुश हूँ, देर से ज़्यादा खुश हूँ. पक्का? मैं प्रिटेंड कर रही थी कि मैं अपसेट नहीं हूँ क्योंकि मैं सबके सामने से रोना नहीं चाहती थी, तो मैं बस वहाँ साइड में बैठ के ऐसा प्रिटेंड कर रही थी दैट आई एम हैप्पी दैट शी इज़ हियर. फिर सब आ रहे थे, सब उससे मिल रहे थे, एंड आई थिंक मेरे को छोड़ के सभी बहुत खुश थे. हम लोग सब कमरे में बातें कर रहे थे कि अब बिकॉज पीयूष और आना एक आइडियल मैच हैं, तो अब आशा किसके साथ परफॉर्म करेगी? तू ही रहेगी. तू मेरे को भी प्रमोट की तरह. तुझे तो चाहिए नहीं था अब अचानक से और से वो मेरा. बट मेरे कमरे से बाहर भी सोच रहा हूँ चाहिए. मैं अभी आई हूँ. क्यों आपका कमरा यहाँ पे? ये मेरा कमरा, मेरे बाप का दुनिया में भी हो सकता है. पापा प्लीज बाय दिस रिसॉर्ट. Honestly, मैंने तो कुछ गलत बोला ही नहीं. सौंदर्य हमेशा क्रिप करती रहती है कि उन्हें संभव के साथ परफॉर्म नहीं करना, तो अगर संभव को बेटर परफॉर्मर मिल रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये कह रही है कि भाई तू संभव को ले जा, ये तो वैसे भी संभव को पसंद नहीं करती है, तो इसका तो होना भी नहीं चाहिए. What is wrong with us? प्री, हमारे गर्ल्स जो हमारे गैंग के हैं उनके कनेक्शन है लोखा एंड संभव. स्टॉप डूइंग दिस. Because you keep bitching about Sambhav.
When has she not? She's always saying something. I've always performed नहीं किया. तो मेरे असंभव को मेरे पास कथा partner है. मुझे नहीं पता. हाँ तो वो खड़ा था. तो आशिया said that. मैंने ये कभी नहीं कहा कि मेरा कथा partner है. एक second. You're not making it. Anyway, whatever. You did say that. मैंने ये कहा कि हमारा दिमाग match नहीं कर रहा. But it doesn't mean कि you say there, जबकि तू मेरी दोस्त है वहाँ जाके तू ये बोलेगी कि इसको ले जा, मतलब ये तो वैसे ही bitching करती रहती है. She said she wanted to perform with Sambhav, so I said हाँ ठीक है, because she's not happy with you know what I'm saying. अच्छा है ना, good for Sambhav, right? To me, yeah. Exactly. You were talking to me. Who's talking to you? You came and said, oh you're such a. I never said that. I just turned around. You were saying a lot of. Please, don't talk. फिर से आप बोलूंगी भाई, तेरी चुम्मा चाटी देखने के लिए नहीं बैठी हूं मैं, बोलूंगी तो कर ना अपना. देखो देखने के लिए बोल कौन रहा है, तू दिखाती रहती है कभी लिप्स पे, यहीं चालू हो जाएगी. हां तो दिखाती रहती है. रियली क्रैश यू आर. आई एम रियली क्रैश. यू आर ट्रैश. तू मेरी दोस्त हो के बात कैसे बोल सकती है? तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शायद प्री ने इसलिए चीज करी क्योंकि मैंने उनको लास्ट डोम सेशन में वोट नहीं करा था. यू नो व्हाट, यू जस्ट वांट टू टेक गाइस, जस्ट बिकॉज़ तेरा आइडियल मैच बन चुका है तो तू दूसरा का तोड़ दे. कभी तो उतरेगी ना कुर्सी से. आई डोंट वांट टू हियर, हर माउथ इज फुल ऑफ ट्रैश. तो डोंट लिसन. आई डोंट फाइट विद एनीवन. आई डोंट लाइक इट. जस्ट इग्नोर हर, शी इज नॉट वर्थ इट. आई एम ट्राइंग टू इग्नोर हर. शी इज कमिंग एंड से ओ यू व्हाटएवर, आइडियल मैच बन गया तो चढ़ गए, व्हाट हैव आई सेड. नॉट वर्थ इट. पता नहीं कौन कब किसके दिमाग में क्या बात डाल दे. और अब तो अर्शिया वापस आ चुकी थी तो अब तो पता नहीं क्या क्या होने वाला था. बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी. अर्शिया. Yes, sir. Welcome back to Hi. Splitsvilla. Thank you. Did you miss people here? Yeah. किसको मिस किया? मैंने सबसे ज्यादा पीयूष को मिस किया. जब भी पीयूष को एक मौका मिलता था to say your name, he spoke about you a lot. Really? Yeah. He said, "My, मेरा कनेक्शन तो बाहर ही गया." मेरा कनेक्शन वहाँ है, मेरा कनेक्शन तो यहाँ नहीं है. So sweet. अर्शिया, आप आ गए हैं वापस. हाँ जी. But you're not really in the game right now. आप सेफ नहीं है. अगर आज के बेवॉच सेशन में आपको किसी ने सिलेक्ट नहीं किया टू परफॉर्म विद यू तो आपको यहीं से वापस घर जाना होगा. और कई लोगों के लिए बहुत आसान हो गए कि हाँ ठीक है मैं अर्शिया के साथ परफॉर्म करना चाहता हूं, मैं तो यही चाहता था. लेकिन जो भी अर्शिया को चूज करेगा वो चाहे जीते या हारे सीधा डोम में अनसेफ जोन में खड़ा होगा. बहुत ही ज्यादा ट्रिकी सिचुएशन थी क्योंकि मुझे पता है कि सेफ जोन में आना पीयूष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मौका मिलेगा तो आशीष और मायशा जरूर उसे डंप कर देंगे. इससे पहले कि सनी और मैं आपको बताएं कि आज का बेवॉच सेशन क्या है, पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है. तो स्टार्ट विद पीयूष. यस. आप किसके साथ परफॉर्म करना चाहते हैं, आना या अर्शिया? सर अगर मैं चूज नहीं करता हूँ कोई और भी नहीं करेगा. आप अपना डिसीजन हो ना, बाकी के डिसीजन पे मत जाओ. और क्या पता कोई आना को चूज ही ना करे. पांच बॉयज हैं एंड छह लड़कियां हैं. हाँ तू और भी कोई सलाह दे दे अपनी, तू मुझे निकाल यहाँ से बाहर. इसका डे वन से यही है ना. नहीं यार अर्शिया, बात वो नहीं है, बात ये कि हाँ तुमसे पहले प्रॉमिसेस वो मुझे कर चुका है. इन्होंने बहुत उड़ उड़ के बोला है कि आहाना को मैं नहीं छोड़ूंगा, आहाना को मैं नहीं छोड़ूंगा. हमारी भी लड़ाइयाँ हुई हैं कुछ इस वजह से. बट उसने हमेशा बोला है कि जब अर्शिया होगी तो वो अर्शिया को चूज करेगा. मैंने नहीं सुना. भव्या आप आशीष और मायशा कहाँ सुनते हो वैसे भी? तो आप ही के पास कान है क्या?
एक्चुअली कान तो सबके पास है बट सुनने वाले थोड़े मत कर तू मत कर मत कर तू चुप बैठ मत पीयूष को डिसीजन लेने दे फिर ये टांग क्यों छोड़ ना बाद में देखना अर्शिया मैं बहुत ज्यादा खुश थी उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा मैं ही थी मैं ही हूं और मैं ही रहने वाली हूं आना या आपको कैसा लग रहा है सर ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि ये बात हमने पहले करी थी कि इवन इफ समबडी कम्स अर्शिया कम्स तब भी ये मेरे साथ ही परफॉर्म करेंगे बट ठीक है ये बात हो चुकी है हाँ फिर तो ये धोखा है या वी लव ईच अदर वी लव ईच अदर हम दोनों का सीन इससे पूछना क्या है ये क्या सीन चल रहा है इधर हद है यार आई वॉन्ट टू से समथिंग आना और मेरी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है बट आई फील बैड फॉर हर और तब से जब से अर्शिया आई है तब से आई हैव बीन फीलिंग दिस अगर आप सुबह सुबह इनके साथ कडल कर रहे हो सब कुछ कर कडल कर रहे हो द होल विला नोज इट डोंट से दैट व्हाई नॉट से दैट स्टैंड फॉर योरसेल्फ ब्रो हां बोलना 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 हम क्या कर रहे हैं अर्शिया को बताओ मुझे मत बताओ मेरे को कोई मतलब नहीं आपसे अच्छा तो अगर मैं इसको हग कर रहा हूं नहीं अगर मैं इसे हग कर रहा हूं तो भैया नहीं करो इसे मैं हग करूं तो दिक्कत है मैं वहां करूं मतलब वहां पे चार बंदियां खड़ी हैं उनको हग करूं तो दिक्कत नहीं होती तो क्या होगा मतलब मैं इसके साथ हो गई अर्शिया वोकैब हगिंग एंड कडलिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स कम ऑन आई नो व्हाट यू गाइस आर डूइंग ये गेम तेरा अपने पास रख यार मैं सच बोल रही हूं तुझे तो ठीक है ना सो व्हाट्स अ बिग डील मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तू 10 के साथ कडल कर वो कह रही मुझे कोई दिक्कत नहीं है वो जो मर्जी करे मैंने उसको फ्री छोड़ा हुआ है और यहाँ पे बाकी लड़के बोल रहे हैं कि वाह यार गर्लफ्रेंड हो तो ऐसी हो कलयुग इज रॉकिंग ब्रो कडल बोलो कडल एंड हग कडल किया कडल किया किया कडल उसने किया आपको नहीं किया ये मुझे ना तो आपसे प्रॉब्लम है ना ही आपकी दो बीवियों से प्रॉब्लम है हम गेम खेलने आए आप जैसे यहाँ पे स्वयंवर रचा रहे हैं हमें डिस्ट्रैक्शन हो रहा है दैट वाज द ओनली रीजन मैंने अपना पॉइंट पुट किया जब मैं बाहर निकली थी ये लोग कुत्ते की तरह लड़ रहे थे तेरी तो मैं बैंड बजाऊंगी अभी कहाँ गई वो मेरी फ्रेंड को ऐसे कर दिया कडल करके सो रहा था क्या है ब्रो केजी से है केजी में है क्या ये हां मैं क्योंकि तुम लोगों को देख के मेरा दिमाग है तुझे पता भी है यहां पे क्या हो रहा है तुझे एक मिनट बता रही हूं तुझे वो सुनना नहीं है वो सच है वहां पर इतना सही गेम खेल रही थी उसने आना को भरना शुरू कर दिया अरे यार भव्या तू क्या है यार मैं तेरे को क्या बोलूं तू और आशीष भाटिया दोनों सेम हो तुम्हें उंगली करनी होती है फर्क इतना है उसकी मैं उंगली तोड़ सकता हूँ और तेरे को मैं छूना भी नहीं चाहता यू हैव टेकन योर डिसीजन पीयूष यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनीवन बट अहाना एंड अर्शिया यू डोंट ओन एक्सप्लेनेशन टू एनीवन बट आर यू सैटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन राइट नाउ थैंक यू जस्ट स्पीक अप लिटिल लाउडर ओनली आई कैन हियर यू राइट नाउ आई एम जस्ट दिस हार्टेड को इस बोलने के लिए भी नहीं है अभी आई हैड नथिंग टू से मैं इतना हर्ट फील कर रही थी इतना टूट चुकी थी
मेरे को पता ही नहीं था कि मैं क्या बोलूँ इसको, कैसे एक्सप्रेस करूँ कि मैं क्या फील कर रही हूँ। आहना अल्फेज से भी ज़्यादा वैल्यू रखती है मेरी लाइफ में, और वो इंसान मुझे उस टाइम पर समझ नहीं पाई। अभी चार लड़के और हैं, सो मे बी आपको रियलिटी हिट नहीं हुई है किसी को, बट वंस दे चूज कि वो किसके साथ इस बेवॉच सेशन में परफॉर्म करना चाहते हैं, फिर आप में से एक लड़की को समझ आ जाएगा कि क्या हुआ है, क्योंकि वो लड़की सीधा डंपिंग जोन में खड़ी होगी अगले डोम में। लेट्स स्टार्ट विद उदय। हेलो सर। भवन, आई ऑलवेज वांटेड टू डू द चैलेंज विद रिद्या। लोका, आई विल डेफिनेटली गो विद भव्या। संभव को कौन कौन पिच करना चाहता है? आना, नाउ दैट आई हैव बीन डन, थोड़ा ईगो और वो हो गया, एंड नाउ आई एम वेरी डेस्परेट टू विन, एंड आई होप सो आर यू। आई एम। डिसीजन टाइम। संभव, किसके साथ करना चाहते हैं? आना, सौंदर्या? सर आना। हमारे शो के जो म्यूट टेलीविजन है, संभव ही इंस्टेड ऑफ सौंदर्या चोज आना। बुरा लग रहा था, गुस्सा आ रहा था, इट वॉज अ वेरी बैड डे फॉर मी। यहां से जो सीधा दो लोग डंपिंग जोन में है वो है पीयूष और सौंदर्या। अब लेट्स फिगर आउट आज का बेवॉच सेशन क्या है। सनी, व्हाट्स द नेम ऑफ द बेवॉच सेशन? दिल में बजी गिटार। ये बहुत ही ज्यादा आसान बेवॉच सेशन हो सकता है, क्योंकि जिनके साथ आप परफॉर्म कर रहे हो, क्यों परफॉर्म करते हो, आपके कनेक्शंस हैं, यू नो अ लॉट अबाउट देम। आज लड़कों से हमने ऐसी कुछ सवाल के जवाब लिए हैं उनके बारे में, और ये बहुत अच्छा है कि स्पेशली फॉर पीयूष एंड अर्शिया, आप एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हो। दिस इज लव, दिस इज, क्या इस्तेमाल किया था वर्ड, ओ माय गॉड, दिस इज ब्लडी लव। ऑब्वियसली यू हैव एन एज बिकॉज यू नो पीयूष सो वेल। मुझे ये सोच के भी बहुत हंसी आ रही थी कि पीयूष ने अर्शिया को चूज किया जो उसके साथ सिर्फ दो दिन थी। अगर वो मुझे चूज करता तो मैं लिख के दे सकती हूँ कि मेरे को हर एक क्वेश्चन का आंसर पता होता। जो लड़के हैं वो एक गिटार का पार्ट होंगे, यू विल बी स्टैंडिंग ऑन अ लेज, और पांच स्ट्रिंग्स होती है ना गिटार में, वैसी पांच स्ट्रिंग्स होंगी जो आपको सपोर्ट कर रही होंगी। हम लोग आपसे सवाल पूछेंगे, तो जैसे ही आपकी जो टीममेट है या कपल है उसने सही जवाब दिया, शी गेट्स अ पॉइंट, she can go and cut any of the other four boys strings. लेकिन अगर गलत जवाब दिया तो आपका एक स्ट्रिंग आप ही की पार्टनर काट देंगी। जो दो लड़के एंड में गिटार पे खड़े रहे वो दोनों कपल्स जीत जाएंगे। Ready? Yes sir. Let's go play some music. जब हमको वहां पे लटकाया गया तो दिल छोड़ के ना हर जगह गिटार बज रहे थे, क्योंकि डर लग रहा था। हम बने थे गिटार के स्ट्रिंग के होल्डर माइकल जैक्सन पोजीशन में, फुल ऐसे। अगर पांचों की पांचों रस्सियां कट जाती तो नीचे मौत का कुआं दिख रहा था। हम सीधा, गाइस लुकिंग गुड, आप सबके हाथ में बजर है। जब हम आपको एक सवाल पूछेंगे, अगर आपको लगता है कि आपकी पार्टनर को उसका जवाब आता है तो आपको बजर बजाना है। ओके, पहला सवाल, अगर आपके साथ नहीं तो ये कौन सी स्प्लिट्स विलन के साथ कनेक्शन बनाती? लोका ने सबसे पहले अपनी पुंगी बजाई, क्योंकि आई थिंक उसको रैप करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो आई थिंक वो बहुत एक्साइटेड हो गया था पुंगी बजाने को। भव्या, आपके लिए सवाल है, अगर आपके साथ नहीं तो ये कौन सी स्प्लिट विलन के साथ कनेक्शन बनाते? आई थिंक पूरे विला में सबको मालूम है, बच्चे बच्चों को मालूम है, मैं बहुत खुश था, अभी तो किसी ना किसी का कटने वाला है। सो एलिस, व्हाट क्या ये, क्या क्या, इसमें दिमाग जरा भी नहीं है। द राइट आंसर इज मायशा। मैं विला के बाहर से भी किसी को पकड़ के लाऊंगी ना, उसको भी पता होगा कि लोका वांट्स टू परफॉर्म विद मायशा।
बट अपने कनेक्शन को तुम इतना भी नहीं जानती, शेम ऑन यू गर्ल। चलो जल्दी से एक स्ट्रिंग काट दो। बड़ी जल्दी आपने बजाया लोग का, क्या सोच के? मुझे लगा उसको पता होगा सर। मेरी ही कनेक्शन मेरा स्ट्रिंग काट रही है, इससे ज्यादा डिप्रेसिंग और क्या हो सकता है। तो ये सवाल के बाद मुझे पता चल गया कि भव्या को मेरे बारे में कुछ भी नहीं मालूम रहेगा। तो मैं सोचा कि अभी से मैं बजर नहीं दबाऊंगा, मेरी स्ट्रेटजी क्लियर थी। At what age did he have his first kiss? Sambhav, Hana? ये सब बातें तो छोड़ो, मुझे एक्चुअली उसके नाम के अलावा भी कुछ नहीं पता है, पर फिर भी मैंने हवा में तीर चलाया। 19. Wrong. गलत जवाब। 16 साल के थे ये तब। 16 साल की उम्र में। You underestimated his skills, darling. आहना ने obviously गलत जवाब दिया, because she knows nothing about Sambi. उसको सिर्फ अपने पीयूष डार्लिंग के बारे में पता है। क्या इनके पास कोई बर्थ मार्क है? कहाँ? पीयूष ने बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी पीपड़ी बजाई, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी तो लव ऑफ हिज लाइफ पीछे अर्शिया खड़ी थी, और ऐसी तो कोई बात है ही नहीं जो अर्शिया को नहीं पता। सिर्फ पीयूष ने बजाया, इनका बर्थ मार्क है तो कहाँ है अर्शिया? पता है मेरे उस टाइम पे थॉट क्या था, मैं किसकी रस्सी कटवाऊं, किसकी कटवाऊं, क्योंकि मुझको था ये तो पता है अर्शिया को बर्थ मार्क तो है, बट कहाँ है? याद कर, मैंने बताया था। याद करती हूँ एक सेकंड। तो इधर उधर उसको काटती रहती है, जब तो तूने नहीं सोचा कि उसको मार्क्स कहाँ हो रहे हैं, अभी तक उसका बर्थ मार्क नहीं पता है। I don't know, maybe थाई के साइड पे। थाई के साइड पर is not the right answer. इनके चेस्ट पे है। तू मेरी रस्सी काट मत, उससे मुझे वहां बांध दे। अबे तेरे को मैंने डे वन पे बताया था कि मेरी चेस्ट पे बर्थ मार्क है। आपके पार्टनर का टिकलिश स्पॉट क्या है? सबसे पहले पीयूष ने बताया। अर्शी आए वो, उसको नहीं पता होगा क्या? मैं कर ले, फाइनली पहला सही जवाब मिलेगा। ऑफ कोर्स इसको बॉडी पे कहीं पे भी करो, ज्यादा कर लाइक अंडरआर्म्स के पास तो बहुत ज्यादा होती है। सर मेरे को आंसर पता है। आपका आंसर है अंडरआर्म्स और चेस्ट पे भी। और चेस्ट दोनों गलत है, बिकॉज द राइट आंसर इज आना बैक। बैक, बैक इज द राइट आंसर। वाओ पीयूष, क्या चॉइस है यार, क्या चॉइस है। प्रूव हो गया कि कौन पीयूष के ज्यादा क्लोज है। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने उसे वहां पे टच किया होगा, गुदी गुदी की होगी ऑफ कोर्स। अर्शिया दूसरा स्ट्रिंग भी काट दो। इतना जो तू प्यार प्यार में बेबी शोना मोना करती है, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया, बट फिर भी मेरे को पीयूष के बारे में वो सब पता है, जहां तक तू अगले एक महीने में भी नहीं पहुंच पाएगी। अगला सवाल, आपके पार्टनर की ज़ोडियक साइन क्या है? उदय ने सबसे पहले बजर दबाया। इट्स एक्वेरियस। गलत जवाब, ही इज अ जेमिनी। एलिस ने आंसर दे दिया गलत। तेरा भी कटा, तेरा भी कटा। चलो मेरी भी एक स्ट्रिंग कट गई और मैं भी एक कदम बढ़ गया पानी की तरफ। अर्शिया पीयूष का क्या है ज़ोडियक साइन? I think Aquarius. गलत जवाब, आना। Pisces. He's a Pisces. Wow. अर्शिया को ये भी नहीं पता था, एंड ऑफ कोर्स पता किसको था? आना को। What is this triangle happening? बस ऐसे लुक दे रही थी पीयूष को कि तूने मेरे ऊपर किसी को चूज किया भी है तो किसको चूज किया है,
आंखें तो खोल के देखता। आना के साथ होते ना एटलीस्ट सेव हो जाते, सेव हो जाते तो शायद अर्शिया को बचा ही लेते। Love is in the air. What is his shoe size? भाविन ने सबसे पहले बजर दबाया। हृदया आंसर। 7. Oh shit. 7 is the wrong answer. It's not short. Oh, 7 is like this big. अरे मेरी माँ, यार उदय का भी 7 नंबर है यार, उदय का भी, मेरा कहाँ से 7 नंबर दिखता है यार। इनका जवाब 9 है। हृदया go for it. ये लड़कियां जीत नहीं रही हैं, ज्यादातर हार रही है। जो इस लड़की ने आंसर नहीं दिया अभी तक से वो जीत रही है। भाई देखो आए हुए विला में अभी टाइम ही कितना हुआ है, हम लोगों ने एक दूसरे की शक्लें अच्छे से नहीं देखी है, तेरे पैर का साइज कैसे जानूंगी। His favorite place to get cozy with his partner. ये सिर्फ एक बजर नहीं, ये एक प्ली भी है कि हे भगवान अर्शिया क्या तुम्हें याद है। आई नो दिस पूल साइड। गलत जवाब, ट्री हाउस। बंदर जैसा तू दिखता भी है और तू बंदर है तभी तू ट्री हाउस में यू वांट टू गेट कोजी विद योर पार्टनर। चलो फिलहाल एक और स्ट्रिंग काट दो। अगला सवाल, विला में आपके पार्टनर का ब्रो बड़ी कौन है? पीयूष। पूरा अल्फेज। अल्फेज इज द राइट आंसर। पूरे विला को पता है कि पीयूष और अल्फेज आर नॉट जस्ट फ्रेंड्स, दे आर लाइक ब्रदर्स। मेरे को लगा चलो एक क्वेश्चन तो पता है इसको अपने बंदे के बारे में। वेल डन अर्शिया, आप सोचो किसका स्ट्रिंग काटोगे आप? I'm sorry, Loka, I love you and you know that. But I'm sorry, your partner, I don't like her. Me too. I know that. That's why I'm doing this. मैं भूल गया था कि मेरे पीछे जो भव्या बैठी है वो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। Loka, know your friends. तू कहाँ से टपक पड़ती है? टपक कहाँ से पड़ती है? अरे तू तू बहुत टाइम पहले चली गई थी। तू बहुत टाइम पहले झगड़े की मैंने बात करनी नहीं आती है क्या? प्लीज झगड़े मत करो। यू शट अप। व्हिच स्प्लिट्स विलन डज ही हेट द मोस्ट? पीयूष। आशीष। आशीष इज द राइट आंसर। ये बहुत ही ऑब्वियस था, जन्मों जन्मों की दुश्मनी जो इस विला में चल रही है, दैट इज पीयूष एंड आशीष। गो फॉर इट अर्शिया। एक बार फिर I'm sorry. Don't be sorry when you're doing it. I'm not saying to you. I'm just saying, do not say it. What will you do? Asha, later. Come here, Mata. Dur chal, tujhe nahi chungi, chal. Nikal yahan se. Asha, later. Mat bol. Nikal aage chal. Yaar, isko hata lo yaar, bina matlab ke pange leti rehti hai yaar ye. Aise pit jayegi sar ye mujhse. Peet ke dikha. तू देख दिखा तू कैसे मारेगी। तूने गेम स्टार्ट कर दिया तो टेंशन मतलब गेम खत्म, हमेशा मैंने ही किया है यहाँ पे और मैं ही करूंगी। How many girlfriends has he had? संभव। आना। मेरे को लगा कि अब तो मैं गई पर फिर से मैंने हवा में तीर छोड़ा। 2 इज द राइट आंसर। आना के टुक्के लग रहे थे और वो सारे सही जा रहे थे। आप एक बंदे के डम लेवल देखिए। आना को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी अपनी अर्शिया से दुश्मनी निकालने की बट उन्होंने वो भी नहीं करी। क्यों? क्योंकि आप डम हैं, आप एक्सेप्ट करना सीखिए उस चीज को। इज दैट योर स्ट्रेटजी? आई थिंक वी आर टफ कॉम्पिटिशन। एग्जैक्टली सर, टफ कॉम्पिटिशन है और इनके सिर्फ अभी तक एक ही कटा था।
बस जहां उसने उदय की स्ट्रिंग काटी आना मेरी टारगेट बन चुकी थी। अब नेक्स्ट जो भी केस आएगा उदय और मैं तो आना से बदला लेंगे। At what age did he have his first girlfriend? Bhavin. Sir, no girlfriend. He told me he's a virgin. Right answer. Yeah. अब बहुत ही embarrassing moment था क्योंकि सभी कर रहे थे। You get an opportunity कि आप किसी का भी एक string काट सकते हो। Sorry. भाभीया की वजह से मेरा कटते जा रहा था और मेरी वाट लगते जा रही थी। अब लोका पूरा ही डिसबैलेंस हो चुका था, उसकी एक ही तार बची थी। इनके मदर का नाम क्या है? सबसे पहले पीयूष ने बजाया। ऑब्वियसली अर्शिया जो उनकी होने वाली बहू है घर की, उन्हें तो अपनी मम्मी जी का नाम पता ही होगा। मिसेस शर्मा मत बोलना। उनका नाम क्या है? मैंने अर्शिया की शक्ल देख ली थी, वो फुल वापस अपने कंफ्यूज वाले जोन में चली गई थी। हैं? I have no idea. You have no idea. फिर एक के बाद एक क्वेश्चंस आते जा रहे थे और सारी लड़कियां दूसरों से ज्यादा अपनी रोप्स काट रही थी क्योंकि किसी को करेक्ट आंसर पता ही नहीं था। वेरी क्विकली भव्या, कितने स्ट्रिंग्स बचे? सर 1 3 आना 3 क्या एलिस 2 रिद्या 2 2 1 1 All right, अगला सवाल। Has he ever dated an older woman? सबसे पहले संभव ने बजाया है। जितने भी लड़के मेरे आज तक फ्रेंड रहे हैं सबकी कहीं ना कहीं फैंटेसी रही है टू डेट एन ओल्डर वुमन, तो मैंने फिर से एक और गेस किया। Yes. Yes. Is the right answer. मैं जिस बंदे को एकदम सीधा साधा बोला वाला समझ रहा था उसका सच सामने आ गया था कि हाँ बेटे। Alright, go for it. मेरे को पता था कि पीयूष की एक ही स्ट्रिंग बची और वो नीचे एनीवे जाने वाला है, तो जो मेरा कंपटीशन है विच इज उदय एंड एलिस, तो मैंने फिर से उन्हीं की रोप काटी। इन लड़कों को अपने बारे में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव क्या चीज लगती है? अगर ये किसी ने बजर नहीं दबाया तो जिनके एक एक हैं वो नीचे जाएंगे ही जाएंगे। कोई बजर नहीं दबा रहा था, थोड़ा टाइम हो गया था और मैं सोचा कि चलो मैं ही दबा देता हूँ कि अगर ये गैस भी ले लेगी तो मैं बच जाऊंगा। भव्या, टैटू? टैटू इज द रॉन्ग आंसर। आपने क्या लिखा था? स्वैग। स्वैग एटीट्यूड। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा था कि लोका तो पानी में गिर रहा है, मैं भी गिर रही हूँ, क्योंकि अब फिर से डंपिंग ग्राउंड में खड़ा होना पड़ेगा। भव्या की वजह से बेचारे लोका को पानी में गिरना पड़ा, जबकि गिरना चाहिए था भव्या को। अरे नहीं 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 नहीं, अगर स्विमिंग पूल में गिर जाती तो स्विमिंग पूल गटर बन जाता। अच्छा हुआ लोका गिरा, भव्या नहीं गिरी, गटर में मुझे नहीं गिरना था। Put the following things in accordance to his preference: family, career, love, money. सबसे पहले पीयूष ने बताया। What is the answer? Family. हाँ. Love. Career. Then last क्या? Money. Money. गलत जवाब है। Because according to him it is family, career. Career. Then you come love. मैं पानी के अंदर। गेम एंड।
ऑलराइट, सिर्फ एक और लड़का अगर पानी में गिर गया तो बाकी दो जीत जाएंगे। और स्ट्रिंग्स हैं 3-2-2। अगला सवाल, क्या आपके पार्टनर ने कभी रिलेशनशिप में चीट किया है? सबसे पहले बजाया है संभव ने, जवाब क्या है? मैंने काफी दिमाग लगाया और फिर मुझे लगा यार कि संभव काफी ही स्वीट और डिसेंट लड़का है, तो मुझे नहीं लगता कि उसने किसी भी रिलेशनशिप में चीट किया होगा। नो, यस ही हैज। आपको एक और स्ट्रिंग काटना पड़ेगा। आई वॉज रॉन्ग, उसने रिलेशनशिप में चीट किया था और मुझे फिर से अपनी ही एक रोप काटनी पड़ी। इनकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? नो नो, ऑलराइट पास, व्हिच मींस सबका एक एक स्ट्रिंग कटने वाला है। दिस इज गोइंग डाउन लिटरली टू द वायर। क्योंकि सारे लड़कों ने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया था, तो सारी लड़कियों को अपने अपने पार्टनर का एक एक स्ट्रिंग काटना पड़ा और तीनों लड़के भाविन, उदय और संभव एक एक स्ट्रिंग पे रह गए थे। हाउ मेनी सिबलिंग्स डज ही हैव? हाउ मेनी सिबलिंग्स? उदय ने बजाया, उदय के कितने सिबलिंग्स हैं? वन। What is the right answer? Yes. It is one. Yes. Congratulations, Uday, you have won. और आपके साथ जीते हैं भावन। Well done. आहाना जो इतने एटीट्यूड में थी, उसका एक वायर से ही पूरा एटीट्यूड पानी में चला गया, तो मुझे बहुत मजा आया। कल के टेस्ट शो बॉन्ड चैलेंज में जाएंगे एलिस एंड उदय। द डिसाइडिंग स्ट्रिंग वॉज कट बाई यू गाइस। And you should be thankful to them, Hridya and Bhavin. तो कहीं ना कहीं दूसरों की दुश्मनी और लोगों के अपने ही पागलपन की वजह से मैं और हृदया जीत गए। टास्क से पहले हमने बोला था कि किस्मत का टास्क होने वाला है और यहाँ पर भाविन और मेरी किस्मत चमक चुकी थी। बहुत ही बुरा लग रहा था कि मैं पीयूष को सेव नहीं कर पाई और ना ही मैं खुद सेव हो पाई हूँ। हम सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे कि आज फिर से पीयूष और अर्शिया डंपिंग जोन में थे और मैं नहीं चाहता था उन दोनों में से कोई भी डंप होके घर जाए। फुली फालतू, फुली एंटरटेनिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फुली फालतू।